रामपंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, एक साथ चार फांसी। ये इतिहास में आपको बड़े कम दृष्टांत मिलेंगे ऐसे। ये यहाँ नमन है इनकी आत्मा को। बता दूं कि 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले फांसी दे दी गई थी, और इन लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला को, इनको 19 तारीख को दी गई थी। तो ये इनके खिलाफ केवल 2 गवाह मिले थे अंग्रेजों को, 2 गवाह, और उनका नाम था, एक का नाम था बनारसी दास गुप्ता और दूसरे का नाम था बनवारी लाल श्रीवास्तव। बिल्कुल, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी और स्वयं अमित शाह इनके पूरी नकेल, जिस नेहरू का महिमा मंडन होता था सालों से, दरअसल इस इतिहास ही हमारी पीढ़ी को गलत ढंग से पढ़ाया गया और पूरे षड्यंत्र के साथ लगातार उनका महिमा मंडन किया गया, कांग्रेस, उस कांग्रेस का जो सही मायने में अंग्रेजों की सेवादार थी। अब ये धीरे धीरे चीजें खुल रही है कि कश्मीर में क्या पाप हुआ, किस तरह कश्मीर हमारे हाथ से निकाला गया। उस दिन आपने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया, 1971 में 92,000 93,000 सेना जो है सरेंडर करने के लिए हमारे पास अपर हैंड था समझौता करने का उससे, लेकिन हमने उसके हाथ में सब कुछ डाल दिया। आज सर 19 दिसंबर है, काकोरी कांड की बरसी है आज। देश को आज कैसे इसको याद करना चाहिए? हाँ मनीष जी, आज 4 अमर शहीदों की बरसी है। आज 4 अमर शहीदों की, जिनका 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 कर्ज हर भारतीय के ऊपर, हर भारतीय के ऊपर, उन्होंने अपनी जान दे दी, अपना प्राणों को बलिदान उन्होंने दिया। राम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, एक साथ चार फांसी। ये इतिहास में आपको बड़े कम दृष्टांत मिलेंगे ऐसे। ये यहाँ नमन है इनकी आत्मा को। ये वास्तव में ये इनका कर्ज है, हर हिंदुस्तानी पे इनका कर्ज है, जो हम कभी उतार नहीं पाएंगे, कभी नहीं उतार पाएंगे। लेकिन इनके साथ कैसा विश्वासघात किया था कांग्रेस ने किया था, ये आज याद दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज 19 दिसंबर है। बता दूं कि 17 दिसंबर को राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले फांसी दे दी गई थी, और इन लोगों को, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला को, इनको 19 तारीख को दी गई थी। तो ये 17 से 19 दिसंबर जो लिखा है, ये इस कारण से क्योंकि राम प्रसाद लाहिड़ी को, राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पहले दी गई थी फांसी, गोंडा जेल में दी गई थी उनको। तो इन चारों आदमी के साथ इस कांग्रेस का कैसा विश्वासघात का, कितना घृणित इतिहास जुड़ा हुआ, जरा दर्शक ये समझ ले मनीष जी। उसके बाद फिर बताता हूँ दूसरा विश्वासघात। मनीष जी, इनको ये 19 दिसंबर 1927 को इनको फांसी दी गई। अब जरा जानिए कि इनको फांसी किनकी गवाही पे दी गई थी। मनीष जी, इनके खिलाफ केवल 2 गवाह मिले थे अंग्रेजों को, 2 गवाह, और उनका नाम था, एक का नाम था बनारसी दास गुप्ता और दूसरे का नाम था बनवारी लाल श्रीवास्तव। और बनवारी लाल श्रीवास्तव कौन था ये जरा जानिए। बनवारी लाल श्रीवास्तव उस समय रायबरेली की जिला कांग्रेस कमेटी का महामंत्री था, और उसने इनके खिलाफ गवाही दी थी। अभी इस जरा एक तो उन दोनों की गवाही पे इन 4 आदमियों को फांसी हुई थी। तो बनवारी लाल श्रीवास्तव महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी, मनमथ नाथ गुप्ता और भी शिव वर्मा, ये लोग अपनी किताबों में लिख गए कि हम लोग इसकी पैसे से मदद भी किया करते थे। ये कम से कम बाहर रहता है तो कुछ हम लोग अपने उनके काम कर देता था, तो इनसे पैसे भी लेता था वो। और वो उसी ने इनके खिलाफ गवाही दी, उस पर इनको फांसी हुई। इनके खिलाफ मुकदमा लड़ने वाला कौन था, सरकारी वकील, उसका नाम था जगत नारायण मुल्ला। वो सेशन कोर्ट में भी इनके खिलाफ मुकदमा लड़ा, और जब इनके खिलाफ अपील में वो मुकदमा चीफ कोर्ट में गया तो भी सरकारी वकील वकील जगत नारायण मुल्ला ही था। और वो इन लोगों से पूछा गया था, जब ये होता कि भाई इनके पास पैसे नहीं थे कि तुम सरकार तुम्हारी तरफ से तुम्हारे बचाव के लिए कोई वकील करे तो तुम किसको चाहोगे, तो इन्होंने जगत नारायण मुल्ला का ही नाम दिया था, क्योंकि वो कांग्रेसी नेता था, वो कांग्रेस का नेता था, जवाहरलाल नेहरू का रिश्तेदार था। तो इन्होंने कहा कि जगत नारायण मुल्ला बड़े वकील है, हम चाहते कि हमारा मुकदमा वो लड़े। जगत नारायण मुल्ला ने मना कर दिया कि नहीं, मेरी फीस 500 रुपए है, ये मुझको पैसे नहीं दे पाएंगे, मैं नहीं लड़ूंगा। तो अंग्रेज सरकार ने 500 रुपए की फीस जगत नारायण मुल्ला को दी, तो वो इनके खिलाफ लड़ा मुकदमा। और इनके खिलाफ ही नहीं लड़ा मनीष जी, राम प्रसाद बिस्मिल और अब मन्मथ नाथ गुप्ता, इन दो की तो किताब मैंने पढ़ी है, उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जब जगत नारायण, हमको जब ये लगा कि जगत नारायण मुल्ला सरकारी वकील हो रहे हैं, तो भी हमने थोड़ी राहत की सांस ली कि चलो कम से कम ये कांग्रेसी नेता है और मतलब नेहरू के रिश्तेदार भी है, तो ये शायद हमारे खिलाफ कुछ नरमी बरतेंगे, कुछ हमारी बात समझेंगे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल और मन्मथ नाथ गुप्ता लिख गए हैं कि इन्होंने पूरी अपने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया मुकदमे के दौरान, कि
कि फांसी से कम सजा इन लोगों को नहीं होनी चाहिए। पूरा उसने मतलब अपनी सारी वकालत काबिलियत निकाल कर रख दी कि इन लोगों को फांसी ही दी जाए। अब जगत नारायण मुल्ला जरा समझिए, ये तो उसका कुकर कि इन लोग इनके बजाय खिलाफ में वकील हो गया, उसके बाद उसने इनके लिए जान लगा दी। और मनीष जी जगत नारायण मुल्ला का जरा इतिहास समझिए, दर्शक सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि नंदलाल नेहरू जो था वो मोतीलाल नेहरू का भाई था, और नंदलाल नेहरू यानी समझिए एक तरह से इनका चाचा हुआ जवाहरलाल का, और उसका ये समधी था जगत नारायण मुल्ला लखनऊ। अब इसके जरा कांग्रेस के अंदर इसका रोल समझिए, और कांग्रेस ने इसको बाद में कैसे सम्मानित किया इसकी औलाद तक को, ये जो जो इन जिसने इन लोगों को फांसी में चढ़वाया था, इन चार अमर क्रांतिकारियों को। मनीष जी 1916 में यहाँ लखनऊ कांग्रेस हुई थी, बहुत मशहूर है, इतिहास में भी उसका उल्लेख होता है, जब भी कांग्रेस का इतिहास पढ़िए। उस अधिवेशन की जो स्वागत समिति था, उसका उस स्वागत समिति का चेयरमैन जगत नारायण मुल्ला था, वो 15 साल लखनऊ की नगर पालिका का अध्यक्ष रहा कांग्रेस कोटे से। ये जरा इसका इतिहास, उस अंग्रेजों के समय में जो काउंसिल बनी थी उसमें चुनाव होते थे, उस काउंसिल में जैसे हमारे एमएलए होते तब उसके मेंबर होते थे काउंसिल के, तो उस यूपी काउंसिल में कांग्रेस के टिकट से एमएलए था ये। और उस जो संविध सरकार बनी थी कांग्रेस, जो कांग्रेसियों ने सरकार बनाई थी अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान, उस काउंसिल में ये स्वायत्त शासन विभाग का मंत्री था, इसको कांग्रेस ने मंत्री बनाया बाद में अपनी अपनी सरकार में जो अंग्रेजों के अधीन बनी थी इसका। उसके बाद जब ये हो गया तो मनीष जब आजादी मिल गई तो इसको लखनऊ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाया इस जगत नारायण मुल्ला को, जो हत्यारा था इन अब राम प्रसाद बिस्मिल रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान का। वो अपनी उसमें लिख गए कि जगत नारायण मुल्ला ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी कि हमको फांसी की सजा ना हो, मतलब उसने पूरी लगा दिया था कि ये फांसी की सजा देने लायक ही हैं ये लोग, एक तरह से विश्वासघात था इस आदमी का। और उसको वो उसी जो बाद में स्विट्जरलैंड में मरा, उसने कितना नाम नोट कमाया था, एक तो मतलब गवाह कांग्रेसी, सजा दिलाने वाला सरकारी वकील कांग्रेसी, इन इन क्रांतिकारियों को जिनका पूरा हिंदुस्तान कर्जदार है। और बताता हूँ मनीष जी, उसके बाद ये जब मर गया स्विट्जरलैंड में, तो इसका लड़का था आनंद नारायण मुल्ला, कांग्रेस की सरकार ने उसको जज बनाया हाई कोर्ट का। जब इससे भी मन नहीं भरा तो आनंद नारायण मुल्ला को कांग्रेस ने टिकट देके राज्यसभा में भेजा। तो कांग्रेस इस तरह से गद्दारों को, विश्वासघातियों को, इन क्रांतिकारियों को फांसी में चढ़वाने वालों को, उनकी औलादों को राज्यसभा बनाती थी, जज बनाती थी, मंत्री बनाती थी यूपी की काउंसिल में। तो ये कांग्रेस का विश्वासघात जो कहते हैं ना, ये जब पूछा करते हैं कि सावरकर क्या था फलाना क्या, अरे सावरकर छोड़ो, तुम अपने कर्म देखो क्या है तुम्हारे, ये कैसे कैसे लोग थे, अमर लोग है ये, मतलब इनके सोते हुए भी अगर नाम स्मरण हो जाए तो श्रद्धा से मन भर जाता कि कौन से लोग थे 20 साल 25 साल 27 साल की उम्र में इन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया, और इसको इनको कांग्रेस फांसी में चढ़वाने वाले वो कांग्रेसी, घिनौने कांग्रेसी। और एक और कुकर में रहता हूं मनीष जी, अभी इतने पे ही खत्म हो जाता, आज 19 दिसंबर बहुत महत्वपूर्ण तारीख है हमारे यहाँ, बहुत तरीके से आज देखिए किसी चैनल पे इन लोगों का ना इनका जिक्र हो रहा है ना 19 दिसंबर का जिक्र हो रहा है, जबकि भारत के इतिहास की, भारत के आजादी की लड़ाई के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तारीखों में से एक है तारीख ये, क्योंकि इसमें इनके साथ विश्वासघात जुड़ा हुआ है। मनीष जी जब जगत नारायण मुल्ला ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे और वो कांग्रेस सरकार का वकील बन गया, तो इन्होंने दूसरे वकील का नाम लिया जो उस समय बड़ा वकील था, इन्होंने कहा गोविंद वल्लभ पंत से कहो वो हमारा मुकदमा लड़े। गोविंद वल्लभ पंत ने भी कहा कि नहीं नहीं ये पैसे नहीं दे पाएंगे, मेरी फीस 250 रुपए, ये कहाँ दे पाएंगे, इनके पास पैसा नहीं, मैं इनका मुकदमा नहीं लड़ूंगा। तो गोविंद वल्लभ पंत ने भी मुकदमा नहीं लड़ा। तो एक नौजवान था उस समय वकालत करता था चंद्रभानु गुप्ता, जो बाद में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हुए, फिर चंद्रभानु गुप्ता और एक हजेला साहब थे, मैं उनका पूरा नाम इस समय भूल रहा हूँ, दो आदमियों ने मुकदमा लड़ा। और ये कितने मक्कार और कितने दुष्ट होते, धूर्त कह लीजिए कि वो राम प्रसाद बिस्मिल, इन क्रांतिकारियों की किताबें पढ़िए तो आपका आपका मन इन कांग्रेस के प्रति घृणा से भर जाएगा। उन्होंने लिखा है कि जिस समय मुकदमा शुरू हुआ और हमारी पेशी के समय 7-7, 8-8 हजार आदमी अदालत में इकट्ठा होने लगा केवल हम लोगों को देखने के लिए, तब गोविंद वल्लभ पंत को लगा कि अरे यार ये तो बड़ी पब्लिसिटी मिलती इससे अगर मैं लड़ता मुकदमा, तो गोविंद वल्लभ पंत जो है बाद में आ गया कि नहीं नहीं इनका मुकदमा हम भी लड़ेंगे। लेकिन वो तब आया जब सब कुछ काम हो चुका था, केवल वाहवाही बटोरने के लिए, किताबों में नाम लिखवाने के लिए। और उस गोविंद वल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस ने,
उस गोविंद वल्लभ पंत, और वो कितना कर्मठ था, ये अभी कोरोना में मनीष जी घूम रहे थे, ला से दबा दी गई और ला से जला दी गई 1954। मैं एक ही उसका कुकर बताता हूँ कि किस तरह की कांग्रेस की सरकार थी। और एक और बताऊंगा उसका मनीष जी, क्योंकि आज 19 दिसंबर, आज इनको नंगा करना बहुत जरूरी है कि 1954 में कुंभ हुआ था मनीष जी, इसी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, एक ही जगह होता, प्रयाग में कुंभ हुआ था, हैजा फैला, और हैजा जब फैला सैकड़ों लोग मर गए हैजे में। और उस समय इस गोविंद वल्लभ पंत की सरकार ने, कांग्रेसी सरकार ने उसका एक सामूहिक मतलब एक साथ रख के लाशें जला दी, लावारिस लाशें जैसे जलाई जाती हैं, और उसकी कहीं खबर नहीं थी। एक फोटोग्राफर ने किसी उस समय अखबार का था, उसने वो फोटो खींच ली थी सामूहिक लाशें जलाते हुए, तो दुनिया के सामने वो सच आया था, अन्यथा सैकड़ों भक्तों को इन्होंने सामूहिक लावारिस लाशों की तरह जला दिया था, और ये हैजे पे काबू नहीं कर पाए थे। हैजे पे सैकड़ों आदमी प्रयागराज के कुंभ में मर गया था। आज भी आप गूगल सर्च करिएगा तो आपको किस्सा मिल जाएगा। यह था गोविंद वल्लभ पंत, और इसी गोविंद वल्लभ पंत ने मनीष जी, यह एक बार मैं अलग से बता चुका हूं कि चंद्रशेखर आजाद की माता जी की मूर्ति न लगे झांसी में, क्योंकि उनका आखिरी समय वही गुजरा। उनके एक मित्र थे भगवान दास माहौर, और देखिए मैं उसे इनका नाम भूला हूँ, महाराष्ट्रियन है, सदाशिव करके थे, सदाशिव राव पुलगांवकर या मुलगांवकर, मैं उनका इस समय नाम भूल रहा हूँ, देखिए कैसे उस मौके पर मैं भूल गया। सदाशिव राव तो मुझे, या मलका, सदाशिव राव मलकापुरकर, वो बेचारे लाए थे वो। अब वो खुद उनके लिए खाने ठिकाना नहीं था, लेकिन वो आजाद की माता जी को अपने साथ रखे थे, क्योंकि उनका कोई बच्चा ही नहीं था, उनके पति भी खत्म हो गए थे, चंद्रशेखर आजाद नहीं थे, उनके बड़े भाई का भी देहांत हो चुका था। तो वो जब उनका देहांत हुआ 1950-51 में, तो उन्होंने कहा कि एक छोटी सी मूर्ति लगा दी जाए माता जी की। कांग्रेसी सरकार ने कहा नहीं लगाओगे, कांग्रेसी सरकार ने कहा नहीं लगाओगे, और जब उन्होंने कहा कि नहीं मूर्ति तो लगेगी इसी झांसी में, तो जिस दिन मूर्ति लगनी थी उस दिन गोविंद वल्लभ पंत की सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया झांसी में। सदाशिव जी उस दिन फिर कहा कि चाहे कर्फ्यू लगाओ हम लगाएंगे, वो अपनी सर पे लेके निकले। इस गोविंद वल्लभ पंत की सरकार ने गोली चलवा दी, 3 आदमी मर गए, 50 आदमी अस्पताल चले गए, 3 आदमी मर गए, क्योंकि वो चंद्रशेखर आजाद की मां की मूर्ति लगवाना चाहते थे। यह इन कांग्रेसियों का पाप। और ये बात करते हैं कि कभी सावरकर को लेकर चले आते हैं, कभी किसी को लेकर चले आते हैं। अरे तुम नाथूराम गोडसे की बात करते हो, नाथूराम गोडसे से तुम 1000 गुना ज्यादा बदतर हो। नाथूराम गोडसे तो हिम्मती आदमी था, उसने उसका एक सिद्धांत था, उसने गोली मारी, गांधी को तो भागा नहीं, उसने कहा कि हाँ मैंने मारी और इसलिए मारी, और वो तो बताने की हद तक हिम्मत नहीं जुटा पाए। लेकिन तुम्हारे कुकर्म, गांधी को मैं राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इनके पैरों की धूल मानता हूं। और वो चंद्रशेखर आजाद की बात करिए तो चंद्रशेखर आजाद के पैरों की धूल भी गांधी से बेहतर थी, चंद्रशेखर आजाद के तो पैरों की धूल भी गांधी से बेहतर थी। उसकी माँ की मूर्ति ना लगा गोली चलवा दी कांग्रेसियों ने, और ये नाथूराम गोडसे और वीर सावरकर का गाना गाया करते हैं। तो आज बिल्कुल, 19 मुझे दिसंबर लगता है बहुत कि महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल सर, आपके इस विश्लेषण से मुझे लगता है कि इस विश्लेषण को जो लोग देख लेंगे उसे उन्हें घृणा हो जाएगी कांग्रेस के पाप से। आप, मुझे लगता है कि आपने एक बार भी नेहरू का नाम नहीं लिया, लेकिन पंथ को बनाने वाला, ये जिम्मेदारी देने वाला निश्चित रूप से नेहरू ही था। तो इसका हाँ मतलब, जो बार बार नेहरू के बारे में कहा जाता है कि नेहरू भारत के प्रधानमंत्री तो बना दिए गए, लेकिन हमेशा लगता है कि नेहरू सनातन से ही नहीं, भारत से नफरत एक तरह से करते थे। अब क्यों गांधी ने उनका चयन किया, ये अपने आप में एक बहुत अहम सवाल है।